स्पोकन इंग्लिश लेसन्स में आपका स्वागत है। जब नाम के अंत में एफ या एफ ई हो तब सामान्य रूप से उस नाम का बहुवचन करने के लिए एफ या एफ ई निकालकर वी ई एस जोड़ा जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। सी ए एल एफ काफ। इस नाम के अंत में एफ है। इसका बहुवचन बनाने के लिए नियम के अनुसार हमें एफ निकालकर वी ई एस जोड़ना है, तो इसका बहुवचन रूप होगा सी ए एल वी ई एस काउस यानी बछड़े। इसी तरह से बाकी के सभी उदाहरण देखते हैं। एच ए एल एफ हाफ। इसका बहुवचन रूप होगा एच ए एल वी ई एस हाफ यानी आधे टुकड़े। एस एच ई एल एफ शेल्फ। इसका बहुवचन रूप होगा एस एच ई एल वी ई एस शेल्फ यानी ताक। डब्ल्यू ओ एल एफ वुल्फ। इसका बहुवचन रूप होगा डब्ल्यू ओ एल वी ई एस वुल्फ यानी भेड़िए। एल ई ए एफ लीफ यानी पत्ता। इसका बहुवचन रूप होगा एल ई ए वी ई एस लीव्स यानी पत्तिया। टी एच आई ई एफ थीफ। इसका मतलब है चोर। इस शब्द का बहुवचन होगा टी एच आई ई वी ई एस थीव्स। के एन आई एफ ई नाइफ यानी चाकू। इसका बहुवचन रूप होगा K N I V E S knives। L I F E life। इसका बहुवचन रूप होगा L I V E S lives यानी जिंदगियां। W I F E wife यानी पत्नी। इसका बहुवचन रूप है W I V E S wives। इन सभी उदाहरण में नाम के छेड़े पर एफ है या फिर एफ ई है, इसीलिए नियम के अनुसार हमने एफ या एफ ई निकालकर वी ई एस जोड़ा है। परंतु ऐसे कई शब्द हैं जिनके छेड़े पर एफ या एफ ई होता है परंतु उसका बहुवचन बनाने के लिए सिर्फ एस प्रत्यय लगता है। चलिए ऐसे ही कुछ शब्द देखते हैं। आर ओ ओ एफ रूफ यानी छत। इसका बहुवचन रूप होगा आर ओ ओ एफ एस रूफ। पी आर ओ ओ एफ प्रूफ। इसका बहुवचन रूप होगा पी आर ओ ओ एफ एस प्रूफ यानी सबूत। एस ए एफ ई सेफ। इसका बहुवचन रूप होगा एस ए एफ ई एस सेफ यानी तिजोरिया। F O O T foot। इसका बहुवचन रूप है F E E T feet यानी पांव अथवा foot। G O O S E goose। इसका बहुवचन रूप है G E E S E geese यानी बतके। T O O T H tooth। इसका बहुवचन रूप है T E E T H teeth यानी दांत। W I F E wife। इसका बहुवचन रूप है W I V E S wife। M O U S E mouse। इसका बहुवचन रूप होगा M I C E mice यानी चूहे। M A N man यानी आदमी। इसका बहुवचन रूप है M E N men। W O M A N woman यानी स्त्री। इसका बहुवचन रूप होगा W O M E N women यानी स्त्रियां। C H I L D child। इसका बहुवचन रूप है C H I L D R E N children यानी बच्चे। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेसन में।